देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के 3 लाख से अधिक मामले सामने आए। देश में गुरुवार को 3.30 लाख कोरोना संक्रमित मरीज मिले। बुधवार को 3.15 लाख मामले सामने आए थे। ऐसा पहली बार हुआ कि लगातार 2 दिन मामले 3-3 लाख से ऊपर पहुंचे। WHO के आंकड़े बताते हैं कि इससे पहले सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ जब मामले 3 लाख से ऊपर गए। 20 दिसंबर 2020 को अमेरिका में 4,02,270 और 10 जनवरी 2021 को अमेरिका में ही कोरोना वायरस के 3,13,516 मामले सामने आए थे। अगर मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो भारत में 3 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख पार कर जाएगी। किसी और देश ने अब तक कोरोना संक्रमण की ऐसी स्थिति नहीं देखी है। COVID-19 ने किसी और देश में स्वास्थ्य तंत्र को इस तरह नहीं झकझोरा है। चिंता की बात है कि देश में लगातार 17वें दिन 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं और आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। लगातार 10वें दिन देश में 1000 से अधिक मौतें हुई हैं और पिछले 3 दिनों से वायरस 2000 से अधिक लोगों की जान ले रहा है। पिछले 10 दिनों में ही 15,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।